लाइटिंग की आज थोड़ी समस्या है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अदर देन दैट आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैमन आछो सबाई। सो आज के वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों से डी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। मैंने कभी ये फॉर्मूला अपने चैनल पर दिया नहीं है बिकॉज आई हार्डली गेट व्यूज ऑन माई चैनल, आई हार्डली गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम माई चैनल। सो बट मेरे को फिर भी लगता है कि इफ वन पर्सन कैन गेट बेनिफिटेड विद दिस वीडियो आई विल श्योरली मेक इट। सो मे बी दिस इज द रीजन दैट आई एम सिटिंग डाउन टूडे एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई डोंट थिंक येट यू शुड यूज इट ऑन अ डेली बेसिस और इवन इफ यू विल डोंट यूज इट इट्स नॉट गोना create any difference to the world. So, अगर आप ये video देखना चाहते हो, then you have to keep on watching. I might sound very controversial because this is one of that topic जो कि हम छेड़ेंगे और बात करेंगे, which is you can actually avoid certain active ingredients in your daily routine. One is you can actually avoid using vitamin C or niacinamide in your routine. How? Because बहुत बार ऐसा होता है कि niacinamide बहुत skin tone को suit नहीं करता है. So here comes vitamin C to help you. Because vitamin C और niacinamide का function similar ही है. It's just that niacinamide will also help you to reduce sebum production in oily to acne prone skin type. अदर देन दैट विटामिन सी और नायासिनमाइड का काम काइंड ऑफ सिमिलर होता है. सो इफ़ यू आर एक्चुअली विलिंग टू बाई एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स, इफ़ यू आर पर्टिकुलरली यूजिंग दिस टू एट द सेम टाइम, यू कैन एक्चुअली स्टॉप बाइंग ईदर ऑफ इट. सो मेरे हिसाब से बिकॉज माई स्किन लव्स नायासिनमाइड, बट आई एम एक्चुअली वेरी अस्टॉनिश्ड टू सी कि मेरे स्किन को विटामिन सी भी पसंद आ रहा है. वेल, ऐसा ना मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, बट रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर यूजिंग प्लम का मैंडरिन वाला विटामिन सी सीरम, विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फेमस एंड बेस्ट सेलर फ्रॉम प्लम इटसेल्फ, एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट. टू बी ऑनेस्ट, इफ आई टेल यू समथिंग दैट आई एम लाइकिंग इट मोर देन आई एम लाइकिंग माई नायासिनमाइड सीरम दिस डेज, आई एम लीनिंग टूवर्ड्स दिस वन. और ये डे टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है. सो इफ़ यू थिंक दैट यू डोंट वॉन्ट टू यूज इट एट नाइट, देन यू कैन गो टू योर नायासिनमाइड, बट देन यू कैन ऑल्सो चूज एनी अदर एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स एल्स ऑफ दिस वन. सो या आई कैन दे इन्फ्लुएंस इन दैट वे, यू कैन चूज ईदर ऑफ देम, यू डोंट हैव टू बाई टू ऑफ इट हु वर्क्स सिमिलर ऑन द स्किन. लनेज का लिप स्लिपिंग मास्क, आई एम नॉट श्योर मेरा वाला लिप स्लिपिंग मास्क कहाँ चला गया. कुछ दिन पहले ये हाथों में था मेरे, अभी वो दिख नहीं रहा है. एट दिस पॉइंट लनेज का लिप स्लिपिंग मास्क शुड जस्ट, पीपल शुड नॉट जस्ट बाई इट एनी मोर, बिकॉज आई कुड बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन दिस मैटर और बहुत सारे हिट मिल सकते हैं मेरे को, बिकॉज आई हैव यूज टब्स एंड टब्स एंड टब्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. बट आई एम एक्चुअली लिटरली नॉट बाइंग लनेज का लिप स्लिपिंग मास्क फॉर अ ईयर नाउ, बिकॉज देर आर टू पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट. वन, नो नॉट एक्चुअली अ ईयर, इट्स बीन लाइक मोर देन अ ईयर, लाइक डेढ़ साल तो मिनिमम हो गया है कि मैंने लिप स्लिपिंग मास्क नहीं खरीदा है. इंस्टेड आई एम यूजिंग नमिया का लिप सीरम विच कम्स इन 30 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट्स फर्स्टली, और सेकेंडली ये आपके सीरम टेक्सचर जैसा भी काम करता है. इट ब्राइटन अप्स योर डैमेज लिप्स दैट यू गेट ड्यूरिंग द सन यूवी रेज एंड स्मोकिंग के वजह से. दिस विल हेल्प यू आउट, दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट पिगमेंटेशन टू बी ऑनेस्ट, एंड आई डोंट नो हाउ मच इट विल टेक, बट फ्रिक्वेंट यूज़ करने से इससे एक ये चीज़ पता चलता है कि दैट अगर आप ये रात में लगा के सोते हो, योर लिप्स विल नॉट गेट ड्राइड अप, और आपको वो बार बार री एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है वेन इट कम्स टू दिस प्रोडक्ट. एंड दिस ओनली कॉस्ट 240 rupees, but you will always get this on discount on Nykaa, on Tira and everywhere. So instead of buying lip slipping mask, you can go for this one, because इसमें functionally ज़्यादा ingredients और product wise आपको ये ज़्यादा beneficial होगा rather than the lip slipping mask from Laneige.
तो आई हैव द लिप बाम विथ मी जो अभी सामने दिख रहा है, बट वो लिप स्लिपिंग वाला टब किधर गया मेरे को दिख नहीं रहा. दिस इज ऑल्सो अबाउट टू गेट एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया है. सो आई वंस आई एम डन विद दिस वन एंड आई एम डन बाइंग लनेज का लिप प्रोडक्ट्स एटलीस्ट. नेक्स्ट इज, ये भी एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ बता रहे हैं, बट ये हम ऑलरेडी अपने चैनल पर एक आध बार मैंशन कर चुके हैं कि अगर आप अपना फेस वॉश सिंपल रखते हो, लाइक लिटरली सिंपल रखते हो, लाइक यू जस्ट हैव टू वॉश योर फेस, ओके, उसके बाद का जो इन्ग्रीडियंट्स होता है मेरे हिसाब से लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन द फेस वॉश. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेस मास्क और लाइक द फेस पैक और मास्क और दैट ट्रीटमेंट दैट यू डू. आई एम जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट द फेस वॉश जो कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से है विथ नो एक्टिव्स. आई वुड जनरली प्रेफर कि मेरे फेस वॉशेज में अब अगर एक्टिव ना हो, बिकॉज आई डोंट फील दैट मेक्स सो मेनी डिफरेंसेज अपार्ट फ्रॉम ऑयली टू एक्ने प्रॉन स्किन टाइप. ऑयली वाले भी नहीं, अगर एक्ने प्रॉन स्किन टाइप है देन यू शुड गेट सम एक्टिव्स, बिकॉज एक्ने में बैक्टीरियाज बिल्डअप ज़्यादा होते हैं एक्ने स्किन टाइप में. सो बैक्टीरिया बिल्डअप के वजह से इफ़ यू यूज एनी सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेज देन इट्स फाइन, बिकॉज सैलिसिलिक एक्चुअली वर्क्स एज अ बैक्टीरियल किलिंग इन्ग्रीडियंट. अदर देन दैट, अगर आप वो फेस वॉश खरीद रहे हो जिसमें वाइटामिन सी है और फिर नायासिनामाइड है और फिर और भी जो भी बहुत सारे रहते हैं, अगर वो सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व इन अ फेस वॉश, आई वुड रैदर सजेस्ट कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अपना परसेंटेज चेक करो, बिकॉज समटाइम्स परसेंटेज आर लेस देन द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. एंड वेन आई से दिस थिंग्स आई हैव, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि मैंने देखा है ज़्यादातर सेलिब्रिटी ब्रांड्स में हो रहे हैं, एंड वो भी नहीं, बहुत सारे फेमस ब्रांड इस चीज़ को एज अ प्रोग्राम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं. सो आई विल ऑलवेज ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू चेक द बैक ऑफ द इंग्रेडिएंट्स बिफोर यू बाय अ पर्टिकुलर फेस वॉश विच हैज़ सो मेनी एक्टिव्स ऑन इट. You can simply avoid that. Next hoga SPF. I don't know on earth who's buying 30 or 35 wale SPF these days, because hum log jitna active ingredients apne daily life mein use karne lag gaye hain ya fir abhi ke jo UV ray UVB protection ke liye naye naye sunscreens market mein aate hain jinke filtrations filter ke jo monitoring hai wo change hua hai, न्यू फार्मूला या न्यू टेक्नोलॉजी के जो फिल्टर्स तैयार हुए हैं. सो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि द अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट्स वी यूज जनरली उसके हिसाब से अगर हम लोग 50 SPF PA 3 times प्लस एटलीस्ट नहीं यूज़ करते हैं, देन आई डोंट थिंक कि वो कोई भी प्रोडक्ट के लिए रिलायबल होगा. बिकॉज वेन आई से दैट आई मीन इट, बिकॉज I did some of the things थोड़ा सा experimental के लिए and the way my skin just acted upon me. I got to know कि हाँ कुछ चीज़ें अगर बनी हैं और उसके लिए अगर advices आते हैं dermatologist के तरफ से या दूसरे influencer के तरफ से या दूसरे brand के तरफ से, तो उसका कोई reason होता है. So I would highly suggest कि if you are still buying 30 या 35 के SPF, it's no use until you are getting or using a lot of active ingredients like salicylic acid, niacinamide, vitamin C. This won't gonna work if your SPF does not have more than 50 or 50 at least, to be honest. Next hoga leave-in conditioner. Yet again, ye bahut controversial subject hai ki leave-in conditioner ka actually function kya hota hai. Even though I sometimes use leave-in conditioner because I have extremely frizzy hair and dryness to my hair, even though I try a lot of products, some of them actually works so nice on my hair, but at the same time agar hum kuch bhi karna band kar dete hain like for a day or two itself, I just get instant reaction in roughness and frizziness and stuff like that. So one thing that I have pointed out ki leave-in conditioner is like something agar aap nahi bhi kharidte ho to chalega, kyunki आप अपने कोई भी हेयर मास्क को या कंडीशनर को लिव इन कंडीशनर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द स्किन हेयर कंसर्न दैट यू आर कंसर्न्स विथ. लाइक आई हैव कर्ली हेयर बट एट द सेम टाइम इट्स फ्रीजी एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट लाइक कर्ल, तो उसके लिए अगर हम कर्ल मूज या कर्ल मास्क यूज़ करते हैं इट्स गुड फॉर मी, बिकॉज लिव इन कंडीशनर में ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि लाइक इट विल गोइंग टू
give it a drastic effect just after washing your hair or something like that. So this is one of that product. You can use any hair mask or hair conditioner as your leave-in conditioner. ये मैंने बार बार बोला है, I will still going to tell you. Now the next thing is that again it's very controversial, micellar water. We all know that we use micellar water just to double cleanse our makeup or sunscreen and the pollution and the dirt and the rays and everything जो कि हमारे फेस को सफ़र करना पड़ता है उसके वजह से वी यूज micellar water एट द एंड ऑफ द डे. बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई सजेस्ट यू कि आप micellar water और कॉटन अवॉइड कर सकते हो इन जस्ट स्वाइपिंग इन टू वन प्रोडक्ट दैट आई हैव ऑल्सो मैंशन इन वन ऑफ माई रिसेंट वीडियोज. यू कैन ऑलवेज बाय अ क्लेंजिंग पैड जो कि आप एंड ऑफ द डे आके इसको सिर्फ धोना होता है, धो के आप वाइप कर लो अच्छे से, देन यू वॉश योर फेस. ये हाफ नहीं 80% ऑफ योर मेकअप, योर डर्ट, योर सनस्क्रीन आपका सब ये उतार देता है. देन कम्स योर फेस वॉश हैंडी. येट इफ यू हैव सम कंसर्न्स रिलेटेड टू योर face and you use so many actives on the face wash, so you are good to go guys. Okay, you are good to go. And then if you are using a cleansing balm and stuff, you can always switch to this one. ये बहुत पैसा सेव कर रहा है मेरा. Honestly, अगर कुछ हम experimenting के हिसाब से success पाए हैं इतने सालों में, investing in a cleansing pad, reusable pad is one of them. Next, this one is something. Even though ये इतना viral product है या viral discussion है, that is the snail mucin. I'm sorry if I'm looking down too much because I'm watching this one. इसमें से देख के बोल रहे हैं. So snail mucin. Snail mucin is actually, we still are not sure. एक time पे ना snail mucin, एक time क्या, अभी भी snail mucin का market बहुत banker चढ़ा हुआ है. Even though मेरे skin type के लिए that ingredient is best, but the only concern that I have with me to snail mucin stuff is that, first of all, एक तो मेरे को वो टैकी सा जो feeling होता है ना किसी भी चीज़ में पसंद नहीं आता है, चाहे वो मेरे खाने में हो, लगाने में हो या किसी भी चीज़ में हो. So this was one of my concern कि snail mucin actually कितना certified है और justified है मेरे skin के लिए. और दूसरा तो ये है कि snail mucin actually होता क्या है. Since I don't have much knowledge about it, इसलिए मैंने कभी भी वो अर्ज क्रिएट ही नहीं किया कि मेरे को बस क्योंकि बाकी आसपास के लोग खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीदना है. बिकॉज आई कैन बी हैप्पी विथ माई नायासिनामाइड, आई कैन बी हैप्पी विथ माई वाइटामिन सी, आई कैन बी हैप्पी विथ माई सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड टू इन दैट टर्म्स. बट वेन इट कम्स टू स्नेल म्यूसिन, आई स्टिल हैव सो मेनी क्वेश्चंस. बिकॉज वो कैसे बनता है वो स्नेल म्यूसिन, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्नेल के म्यूसिन को, I still have no idea. Because अगर ऐसा हो कि I'm using snail का कुछ private ingredient that I'm not supposed to, ऐसे भी वो tacky वाले feeling से मेरे को इक्की feeling आती है, तो वो सोच के तो मेरे को कभी urge नहीं आया that I should get my hands on snail mucin or for that fact snail related कोई product. मेरे स्किन केयर रूटीन येस एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स वाले होते हैं, बट आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि दैट आई हैव प्रोमोटेड सच थिंग्स ऑन माई चैनल. बिकॉज हम कभी खुद भी यूज़ नहीं किए, सो हाउ आई कैन प्रोमोट और हाउ आई कैन सजेस्ट कि आप भी खरीदो और आप भी यूज़ करो. सो दैट्स दैट. इंस्टेड स्नेल म्यूसिन के जो मैंने अभी तक रिसर्चेस या स्टडीज करके पता किए हैं, यू कैन ऑलवेज स्विच टू, इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी हु फील इक्की एंड स्नेल म्यूसिन सुनते ही आपको कुछ और समझ में आता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तो आप हमेशा मल्टीपेप्टाइड सीरम की तरफ जा सकते हो. बिकॉज मल्टीपेप्टाइड सीरम एंड स्नेल म्यूसिन काइंड ऑफ वर्क्स सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स. और हम जो मल्टीपेप्टाइड सीरम यूज करते हैं दैट इज फ्रॉम दी मिनिमलिस्ट, और इसमें ना प्लांट प्लेसेंटा लिया गया है. सो इट्स ऑल लाइक प्लांट बेसिस, और इसमें ऑलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स और मेट्रोरेक्सल, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है लाइक इन्ग्रीडियंट्स है. सो आई थिंक आई एम गुड देयर. आई बी मोर हैप्पी इफ आई यूज दिस काइंड ऑफ इन्ग्रीडियंट्स रादर देन समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स एंड क्रीपी क्रिएचर्स एंड स्टफ. आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. सो
Now, the I think this is my last thing that I will influence, or I would rather say choose any of it. That is, I think some people will going to kill me for this. Sol de Janeiro. Sol de Janeiro is a brand जो कि मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि लोग ज़्यादातर aesthetic के वजह से वो products खरीदते हैं. हम यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे कि लाइक सोल दे जनेरो इज़ नॉट समथिंग टू बाय ऑन, बिकॉज उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अगर आप एक बार अपने स्किन पे अप्लाई करते हो तो वो एटलीस्ट 8 to 10 hours रहते हैं आपके बॉडी पे, विच इज़ अ फैक्ट. आई एम सॉरी, मैंने कभी मिस्ट नहीं यूज़ किया है, रदर आई हैव यूज देयर बॉडी बटर्स एंड आई हैव लव्ड यूजिंग दैम, बट द ओनली प्रॉब्लम विद दोज थिंग इज दैट दे आर हेला एक्सपेंसिव. मेरे को नहीं लगता है कि आई पर्सनली विल एवर गोइंग टू बाय एक टब जो कि 25 या कितने ग्राम्स का आता है एंड दैट कॉस्ट यू 750 rupees. आई विल नॉट बाय. यू कैन किल मी फॉर दैट बिकॉज I have got last time मैंने अपने नायका हॉल में दिखाया था that मैंने सोल दे जनेरो का ये पाउचेस वगैरह ख़रीदा है, but if I say you की exact grams अगर देखने जाएंगे तो I think I have 33 milliliters of products in the cost of 350 rupees, which is again not justified इन मेरे हिसाब से. बट देन बिकॉज मेरे को ये पर्पल, मैंने इनके सारे बॉडी बटर्स ट्राई किए हैं एंड इन दिस पाउच और ट्रैवल साइज सिस्टम से, सो दिस टाइम दे गॉट दिस पर्पल वन एज वेल एंड आई थिंक दैट ये मेरे लिए ज़्यादा वर्दी था रादर देन इन्वेस्टिंग माई मनी ऑन अ टब विच कैन कॉस्ट यू 2500 rupees. इंस्टेड आई गॉट दिस 5 ऑफ देम इन जस्ट 350 rupees. Now, if I come down to what exactly I'm explaining you here, Sol de Janeiro is something, yes, बहुत अच्छा टिकता है आपके स्किन पे because of the fragrance that they use. ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि the amount of fragrance this body butter have. You can always check at the back of the ingredient list. जितने top, मतलब ज़्यादा quantity जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है ना, वो word यहाँ पहले आता है. Suppose if a product have water, niacinamide, salicylic acid, फिर fragrance, sulfate, ऐसा करते करते जो words आते हैं ना, जो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो पहले से आते जाएंगे और जो सबसे कम use हुआ है वो सबसे नीचे चला जाता जाएगा. So you will see the fragrance at the first, जब आप ingredients check करोगे तो आपको first line में ही, first two lines में ही fragrance दिख जाएंगे. इसीलिए Sol de Janeiro have a strong fragrance that they use in their body products so that for long lasting ho and at the same time nourishing and stuff. If you will ask me, yes, they give that nourishment, that moisture on the skin, but wo to koi bhi body lotion, acha khasa body lotion bhi aapko de sakta hai. If I may say so, I guess I maine abhi repeatedly bahut sare videos mein maine baat kiya hai last few times ki I guess, okay, इसकी वजह से मैंने ये खरीदा है कि Sol de Janeiro का ये पिंक वाला जो वेरियंट है, इट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दी प्लम बॉडी लविंग लोशन विच हैज़ 1% कॉजिक एसिड. सो इफ़ यू थिंक दैट दिस इज टू मच फॉर यू, ऑलवेज स्विच टू दिस बिकॉज दे आर आइडेंटिकल. If I say so, like I can tell you 1000 times ki ye 1000 times better hai from this or maybe this. I can't tell you about the purple one because wo maine use nahi kiya hai and the yellow one exactly smells like plum ka caramello, vanilla caramello, but as I mentioned ki mat kharidna wo, rather than if you really want to smell like the pink one, you can always switch to this one. This is that I'm just influencing or influencing you in some reasons. Influence करने का एक और reason ये हो सकता है, you can use my code HarshaD for additional 10% discount on Plum website because वो website में मेरा code काम नहीं कर रहा था but अब करता है, so you can check it out. I forgot, I have to mention one of the end thing in my video, toner. You can switch from toner to serum. I'll tell you how. इवन दो मेरे को पता है कि टोनर इज़ एन इंग्रेडिएंट विच कंसिस्ट मोर वाटर एंड देन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दैट्स हाउ दिस वर्क्स,
But what if I say that you just have to cleanse your face? Once you are cleansed, your skin is squeaky clean. And the next thing that you should apply is your treatments, like the serums. Suppose you are a fan of niacinamide. So niacinamide ke to toner bhi available hai, serum bhi available hai, moisturizers bhi available hai. To aapko kaun sa itne sare niacinamide ka aap kya karoge, correct? So you can always skip your toner, water toners, to the active serums or active ingredient wale products. This is how you can save your skin routine, because I haven't used any toner since 2.5 years now, because it's kind of similar to me. Using and not using just works same, because serum works better than anything else. Uske baad agar aap moisturizer mein bhi active ingredients rakhte ho apne favorite, then you're good. Why you need a toner? And with that, ye hoga mera recommendations for influencing to de-influencing or de-influencing to influencing. And I hope कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. Next कौन से टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, let me know something in the comment section. In coming days मेरे videos थोड़े festive type के ही होंगे, because अब festive आने वाला है, and yet I have to get a lot is happening lately in my life, okay? बहुत कुछ हो रहा है मेरे life में, so I really have to take a step back. और हम बहुत दिन से long videos shoot नहीं कर रहे थे, because मेरा mind ही काम नहीं कर रहा था, और दूसरा मेरे को मन नहीं कर रहा था, Olympics भी चल रहे थे, so सब कुछ मिला के बहुत कुछ हुआ है. But I'm happy, I'm fine, I'm happy. I'm just wrapping up myself again, and I have to be very consistent again on my YouTube, because ये मेरे को करना अच्छा लगता है. So आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट कैसे वीडियोज़ देखने हैं. नेक्स्ट वैसे भी मेरे फेस्टिव के ही रहेंगे सारे रूटीन्स, एंड आई एम जस्ट वर्किंग ऑन ऑल दोज, एंड आई होप कि हम बहुत जल्दी जल्दी अब वीडियोज़ अपलोड किया करेंगे. And with that, I hope that I have saved some of your money. If yes, let me know in the comment section. Agar aaj ka video thoda sa bhi pasand aaya, you have to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. And I will see you in my next video for sure.